मुझे पता है आप लोग सोच रहे होगे कि यार आज तो क्रिकेट 22 आने वाला था, ये वीडियो कहाँ से आ गई RC22 की। बट यस भाई देखो, हम लोग डेली जब वीडियोस करते हैं तो एक क्रिकेट 22 एक RC22 आता है। अब रात को RC22 का स्ट्रीम आएगा, बट वर्ल्ड कप का कोई स्ट्रीम कोई वीडियो RC22 में नहीं आया है सिवाय इंडिया के मैचेस को छोड़ के। तो ये प्रेडिक्शन हम लोग RC22 में करने वाले हैं। आज दो मैचेस हैं, आयरलैंड बनाम न्यूजीलैंड का पहला मैच आता हुआ आपके सामने। ये सब हिस्सा हम स्किप करेंगे, सीधा मैच की तरफ बढ़ेंगे। टीमों की बात कर लूँ जो मैंने बनाई है, मैं बनाऊँ न्यूजीलैंड, ऑब्वियसली बात है हार्ड एक्सपर्ट मोड डिफिकल्टी है, तो मैं एक स्ट्रांग टीम बनता होगा, इसी माने थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मैं न्यूजीलैंड बनाऊँ। टीमें जो हैं गेम की डिफॉल्ट है, मैंने कुछ भी टच नहीं किया है, मैं पहली बॉलिंग के साथ जा रहा हूँ, रन चेज कर रहे हैं। आज पहला मैच है, अगर मैं दूसरे मैच में टॉस जीता ना तो मैं दूसरे मैच में पहली बैटिंग लूंगा, अगर जीता तो। बाकी प्लेइंग 11 आपके सामने है जो कि आप देख सकते हो, और हम लोग सीधा हमारे अब गेम प्ले की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें इंट्रो नहीं है, इसमें यहाँ पर इंट्रो है भाई, क्या कर रहे हो यार संगीत, RC22 खेल खेल के भूल गए कि RC22 में इंट्रो है। शुक्रिया भाई सभी का जो लोग यार वीडियो देख रहे हैं, एक बार लाइक कर देना यार वीडियो को। बाकी लेट्स सी, प्रेडिक्शन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, सही होता है गलत होता है, कितना सही होता है कितना गलत होता है वो सब अभी पता लगेगा। ट्रेंट बोल्ट पहली गेंद स्टर्लिंग के सामने, फील्डिंग सेटअप आप देख सकते हो, स्क्वायर और मिड विकेट दो फील्डर। अब पहली गेंद है, इसके बाद तो सीधा गेम प्ले 15 जाएगा, एक रन। तो फाइनली 115 हो गए और एकदम क्रिकेट 22 वाला स्कोर बनाया, 122 पे 3 टक्कर खेल रहे हैं 62, डॉक्टरल 9 पे। डिफेंड 1 में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं और हमारी फील्डिंग ट्राई करते हुए, पहला गेंद फ्लिक, अब एक रन आया है। लेट्स सी, 5 में 9 ऑफ स्टंप पे गेंद, इंतजार चल रहा है कब ऊंचा शॉट मारेगा। इंतजार करते करते लगता है बूढ़े हो जाएंगे, ऐसे दो ही गेंद हुई है बट फिर भी सेट हो चुके हैं, हिट होना बाकी है। अभी वो हिट वाला फंडा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक एक रन जोड़ते हुए थोड़ी सी स्लो है। और एडिलेड का मैदान मैं पहली बार खेल रहा हूँ, मुझे लगा मैंने खेला हुआ है बट ठीक है, अभी हम लोग जब लाइव स्ट्रीम करेंगे ना उस दिन हम लोग एडिलेड में खेल चुके हैं, जब भी वीडियो आएगी तो हम खेल चुके होंगे लाइव स्ट्रीम में एडिलेड में। स्पिनर में जहाँ धीरे थे तेज गेंदबाज में तेज हो रहे हैं, अब स्पिच पे क्या होता है, एक रन निकाल रहे हैं। लगता है जब मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी तब पीटना शुरू करेंगे। फॉर फन एक गेंद स्लो डाल रहा हूँ मैं, तेज गेंद सही थी। अरे यार खेलना ही नहीं है इनको, सिंगल से ही खेलना है क्या? क्रिकेट 22 भाई इससे ज़्यादा रैंडम सिनेरियो बनाता था, फील आ रहा है। हाँ नहीं भाई कब खून खोलेगा, अरे नहीं खोला, पिछली 12 गेंदों में 12 रन। ठीक है लोग कहते हैं अंत के 18 गेंदों में अटैक होता है, हुआ अटैक, लेकिन ये अटैक होगा पवेलियन पर बल्लेबाज द्वारा, जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ और कोई रोकने वाला नहीं है भाई, हम क्यों रोकेंगे, हमें क्या, हमें तो अच्छा है और जाओ नेक्स्ट खिलाड़ी भी आओ वो भी पवेलियन की तरफ अटैक करो, सारे प्लेयर प्लेयर पवेलियन की तरफ अटैक कर दो इस वक्त जितना भी मैच चल रहा है आयरलैंड की तरफ से। टकर आउट हुए हैं, पहला ही लॉफ्टेड शॉट था, मेरी स्लोअर गेंदें कंटिन्यू है भाई, मैंने पहले भी आपको बोला मैं स्पिनर्स पे स्लोअर डाल रहा हूँ और स्लोअर कंटिन्यू कर रहा हूँ। 6 रन आए थे इस बार, पहली गेंद पे सफलता मिली है, अभी आगे देखो क्या होता है, बट अभी के लिए तो ये ओवर स्पिनर के नाम सोडी के नाम। पिच वेरिएशन लाइन लेंथ वेरिएशन कंटिन्यू होता हुआ, भला हो इनका लॉफ्टेड खेला जरूर बट गया नहीं है 4। ओह ये गैप बन गया, अरे कितना इजी शॉट है यार, कितना लूज शॉट भी लगा, फील्डर लाइन में होते 30 यार्ड पे तो कैच होते, बट होते तो शायद वो खेलते भी नहीं। शॉट सिंपल सादा ड्राइव शॉट ही लिया है, बट इतनी अच्छी दिशा पकड़ी इन्होंने और इतनी रेयर वाली कि चार निकाल दिया। फील्डर खड़े हैं दोनों के बीच में से गई है गेंद, पहली बार तेज गेंद रखा है और इस पर भी स्क्वायर कट ही देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है मैं चेज कर जाऊंगा, न्यूजीलैंड बनने से अच्छा था आयरलैंड बन जाता। वही बात है, एक मीडियम पेस भी ट्राई कर लो यार, बहुत हो गया स्लो और तेज, कुछ फ़ायदा नहीं। वो बैकफुट हेलीकॉप्टर, वन बाउंस फील्डर तक स्क्वायर पे, एक रन, 18 गेंदों में 20 रन किए हैं, अब लास्ट की 12 गेंदों पे गेम डिसाइड होगा। पर शॉट है ना बहुत मस्त ले रहा है, ये तो मानूंगा मैं, ये सब ऐसे शॉट है ना जो रिप्ले में देखने की इच्छा हो, बट आएंगे नहीं रिप्ले क्योंकि आपको चौका या 6 मारना पड़ेगा या आउट होना पड़ेगा। छीछी मत मार देना भाई, ये वही गेंद है छीछी वाली, हो डॉट मिस फील्डिंग, रन नहीं, बस वसूल है, कोई अफसोस नहीं भाई, कोई बात नहीं, मिस फील्डिंग चलती है इतनी। इस बार मीडियम पेस, तेज धीरे और मीडियम पेस, और छीछी शॉट, अभी मैं इसी की बात कर रहा था, यही छीछी शॉट है, गुड लेंथ से अंदर आती गेंद और एक बार स्वाद चख लिया बाउंड्री का, फिर तो भैया बैक टू बैक लगाएंगे हम, और शुरुआत कर दी है 6 से। वो सोढ़ी का कमाल था कि पिच का कमाल था, इस ओवर में लगभग थोड़ा बहुत पता लगेगा। पहली गेंद एडवांस शॉट, ये भी एक ही रन जा रहा है,
मेरे ख्याल से पिच ही हेल्पफुल है स्पिनर्स की। ना नीचे ले जा सकते थे, बार को ले गए, इससे ज़्यादा नीचे जा नहीं सकते आप, बट इससे कवर पे लॉफ्ट कर दिया है, लॉफ्ट भी ऐसा जो सीधा बाउंड्री रोप्स के पार। धीरे गेंदों का अटैक जारी है और इनका लॉफ्टेड जारी है, वन बाउंस बाउंड्री मिड विकेट गैप, छक्के और चौके खाने के बाद थोड़ा सा गति बढ़ाई है, रिजल्ट दिखता हुआ। परिवर्तन पिछली गेंद पे काम किया था, इस गेंद पे भी काम किया है, ऊपर से डॉट गई है, मच नीडेड, 170 से एक दूर। ऐसा कुछ नहीं है कि 170 के ऊपर मार लेंगे तो जीत की गारंटी, बट ठीक है 173 पे रुकता हुआ यहाँ पर आयरलैंड। अभी देखो गेम प्ले तो लगभग बराबर ही रहता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो हमें भी 40-50 का चेज आ सकता है, मैक्सिमम मुझे लग रहा है 50 रन्स। सबसे ज़्यादा खुश इनिंग समाप्त होने के बाद अगर कोई होता है तो हमारे एम्पायर्स होते हैं। समरी कुछ ऐसी, 174 का चेज, फर्ग्यूसन को ओवर मिलना चाहिए था बट कोई बात नहीं, कपटिल और मिचेल यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। मेरे लिए पहली गेम खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार विकेट भी गंवा चुका हूँ, तो ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पर आयरलैंड बाकी आया बहुत ही ज़्यादा हौसले के साथ है पिच पे, 173 अब चेज, देखो क्या होता है, अभी इंटरेस्टिंग सिनेरियो भी बन सकता है। मैं चाहता हूँ 50-40 रहे, 50 रहेगा तो मैं थोड़ा ग्राउंड शॉट मिक्स फिक्स करके खेलेंगे, मजा आएगी। अडेयर आए पहली ओवर करने, अरे यार लॉफ्टेड टच नहीं होगा, खेलना था थर्डमैन खाली था, हाफ स्टंप पे आओ यार, गंवा दी गेंद हट। 15 ओवर के बाद सिर्फ 104 मारे हैं, मेरी वाट लगा दी है। अब आप टारगेट चीज कर लो, 173 थे तो मुझे 70 रन करने हैं। भी क्या बकवास वाला रखा है यार, पूरा मूड बर्बाद कर दिया। पहली गेंद वाइड जरूर डाली बट कोई बहुत राहत नहीं देगी, 14 रन पर ओवर करना है, मैं 10 एक्सपेक्ट कर रहा था मैक्सिमम। फीलिंग अभी ये आ रहा है कि अच्छा हो मैं न्यूजीलैंड बना, कुछ और बंदा तो पता नहीं क्या हालत होती। 2 रन है, डबल, लेट्स सी आगे क्या होगा। चलो 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 चलो, कनेक्ट हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 1 रन, ओवर थ्रो बहुत सही, 2 रन, कुछ गड़बड़ हुई है ऐसा साइन आ रहा है मुझे, और जी हाँ बिल्कुल सही है, वो कैच आउट हो गए हैं हम लोग। मार्टिन कपटिल जैसे एक बड़े प्लेयर का विकेट एक बहुत ही अहम मौके पे गंवा दिया है, और फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं कि भाई मिस कर दिया आप बहुत। ओहो बीट, एकदम खामोशी से मैं देख रहा था कि यार इस पे कम से कम 1 रन निकालूंगा, भाई नहीं खेल सकता अभी यहाँ पे, लॉफ्टेड खेलना चाहूँ तो भी नहीं खेल सकता। 1 रन, चलो रिस्क लेते हैं। अरे यार चूक गए, यही तो दिक्कत है भाई, यही तो दिक्कत है गेम की, अब मिस हो गए और यहाँ गेंदबाज हिट हो गया। और अब ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों आयरलैंड अटैक नहीं कर रहा था, अब ये चीज़ भी मुझे समझ में आ रही है। जिमी नीशम को गोल्डन डक पर आउट किया है, आई थिंक ये बेस्ट विकेट है डिलानी के लिए, क्योंकि यही वो बंदा था जो मिडल ऑर्डर में थोड़ा सा अटैक करके इस मैच को क्लोज ले जा सकता था। अब पता नहीं किस पर निगाहें होंगी न्यूजीलैंड फैंस की। लॉफ्टेड एक और, अब भाई जीतना है तो खेलना पड़ेगा यार, बीट जीतना है तो खेलना पड़ेगा। और ये सिक्स सैंकनर, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया भाई अटैक तो होगा, क्योंकि रन रेट 3 के ऊपर जा रहा है, वहां से तो फिर बाउंड्री की जरूरत होगी यार। बॉल टाइमिंग तो सही है और बाउंड्री लगी है, चलो 2 बाउंड्री, अच्छा हो मैंने थर्डमैन वाली पोजिशन से मारा है, फील्डिंग कुछ अलग ही तरीके से बदलना चाहिए। कवर गायब हो गया है जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अनबिलीवेबली 3 बाउंड्रियाँ लगा दी हमने बैक टू बैक, 3 बाउंड्री शॉट लगा दी, 1 सिक्स भी था। मन में डर तो लगता ही है बट 4 रन, 18 रन ओवर से 5 गेंदों में, अभी लास्ट बॉल बाकी है, फील्डिंग लेकिन बदल जाएगा, आपने दूसरा बड़ा शॉट कवर मार दिया है। अरे डॉट चली गई, फाइन खेल नहीं सकता था, पॉइंट पे बैक फुट मुझे लगा नहीं। तेज गेंदबाज आया है, लॉन्ग ऑन है ही नहीं, शॉट कहाँ जा रहा है, लॉन्ग ऑन है ही नहीं, बहुत अच्छा अब चांस है यहाँ से रन बनाने का। इसके पेस को पढ़ा जरूर है बट परफेक्ट से थोड़ा सा लेट, और इनकी गति है ना, मैं लेट हो रहा हूँ ठीक है, मुझे थोड़ा सा अर्ली आना पड़ेगा अगर बड़ा हिट करना है तो। कनेक्ट करा देना भैया, बोल्ड बोल्ड मत हो ना बस, ठीक है कनेक्ट कराने के लिए शुक्रिया। 2 रन नहीं है, न्यूयॉर्कर डालेगा भाई,
यॉर्कर किंग बन जा तो जोशुआ लिटल। लिमिट क्रॉस हो गई 18 की, अब मारो नहीं तो फिर जाओ घर। फ्लैट शॉट दम है इस शॉट में, 4 रन। अभी ज़्यादा कुछ बोलने का मौका मिल नहीं रहा भाई मुझे, फोकस पूरा गेम पे है, इसीलिए लाइव स्ट्रीम धमाकेदार होता है। मीडियम फास्ट, 4 अगर मिल जाता है तो मज़ा आ जाएगा। ये दूसरा लॉफ्टेड शॉट है, फील्डिंग चेंज होने का भरपूर चांस है। हर बॉल पे डगआउट से सपोर्ट मिलता है, वही एनिमेशन हर बॉल पे आ रहे हैं। शॉट चाहिए, अब प्रिपेयर तो सारे यार, ठीक है चलो। अभी बीट हो गया उसके बाद मन में आता है कि ये खेलना था वो खेलना था, बट उस वक्त वही बेस्ट लगा था मुझे जो मैं खेलना चाह रहा था, और इस वक्त ये मुझे बेस्ट लगा है। टाइमिंग, 6 रन, मिचेल सैंडलर। 9 गेंदों में 28 रह गए न्यूजीलैंड के लिए, और गेम चेंज किया है इस खिलाड़ी ने जिस तरह की बैटिंग की है। भी अगर थोड़ा सा मैं बता रहा, अगर ये मैच जीत गया ना तो ये वो कोहली वाली इनिंग वाला परफॉर्मेंस हो जाएगा मेरा, कि मेरे चांस है नहीं। 18 की रन रेट से आपको 10-12-15 गेंदें खेलनी थी और आप जीत गए मैच। कनेक्ट हो जा बस। सेंटनर का 6 नंबर 2, 8 गेंदों में 20 रन। ये 2 गेंदों में 2 चौके लग जाए मजा आ जाएगा। यॉर्कर रख दी, अरे बहुत अच्छी गेंद है, स्ट्रेट खेलना उनका मतलब नहीं, मुझे गेंदबाज की तरफ थोड़ी ना खेलना है। ग्लेन फिलिप्स आउट हो गए हैं भाई, सोच तो मेरी बिल्कुल सही थी कि सामने मारना है, और टाइमिंग भी सही दिखा रहा था, बट चूक गए फिलिप्स। ये एक्चुअली ये विकेट नहीं, ये शॉट नहीं चूके, मैच चूक गया न्यूजीलैंड। अगर ये 6 जाता तो पूरा गेम लास्ट ओवर में बदला हुआ नजर आता। 19 रन इन 1 ओवर, जोशुआ लिटन आए, इनका पेस अभी भी मेरी समझ से परे है। 2 रन तो लेने ही है, 4 रन जा रहा है। कम ऑन सैंटनर, यू कैन डू इट ब्रो। यहां से अगर आप मैच जाते हो तो ये एक मिरेकल पुल किया कहलाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, पुल द मिरेकल। लेट्स सी कितना मिरेकल कर पाते हैं। अभी 15 बाकी 5 गेंदों में, लास्ट टाइम भी हम चूक गए थे पिछली ओवर की जो लास्ट गेंद थी, तो लेट्स सी। फील्डिंग में भी बदलाव होने वाले हैं, थोड़ा अलग गति है, और ये डाइविंग कैच, कैचेस विन मैचेस, अगर आपने सुना है तो आज देख भी लो। इस कैच ने फाइनल सील लगा दिया है आयरलैंड की जीत पर। मैच बहुत इंटरेस्टिंग बना है, इसमें कोई शक नहीं है, और न्यूजीलैंड जीत भी सकता था, बट अब यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया है। 15 में 40 करके गए हैं ये खिलाड़ी, और ये गेंद अगर ये पार करा देते ना तो 6 हो जाता, और रन रेट सीधा छलांग मार जाता राउंड 12 के रन रेट। बीट होते हुए, क्या उम्मीदें खत्म यहां पर। जी हाँ, वो मैच जिता सकते हैं, और 6 लगा दिया है टीम साउथी ने। बैठे रहिए अभी यहां पर, स्किप नहीं करनी है वीडियो, कट नहीं करनी है ये वीडियो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टिम साउथी इस वक्त पिच पे मौजूद, लगा दिया है 1-6 मिड विकेट की पोजीशन से। जोशुआ लिटल शॉक है इस वक्त, आयरलैंड शॉक है, न्यूजीलैंड खुशी मना सकता है, गेम में है अभी भी। नहीं यार, खत्म। देखो इनकी रेटिंग है ना 50 के नीचे है साउथी की रेटिंग, तो मैं पीछे फाइन लेग नहीं खेलना चाहता था, लॉन्ग ऑन खेलना चाहता था, या तो स्ट्रेट तो लगता नहीं शॉट, लॉन्ग ऑन लगता है शॉट, इसलिए मैं हट भी गया था स्टंप से कि एटलीस्ट मिडल या बॉटम लगे। लगता तो सही था, 2 या 3 रन आते तो लास्ट बॉल पर शायद सुपर ओवर का भी रहता चांस, बट क्लीन बोल्ड कर गए और थोड़े अंतर से मिस किए। तो एक बहुत ही बड़े उलटफेर की तरफ आयरलैंड बढ़ाए यहाँ पे, और ये देखिए ये शॉट कनेक्ट किया है, जो भी किया है कनेक्ट किया है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। और विकेट गिरी है, 8 रन से जीता है आयरलैंड एक वर्ल्ड कप का, इस वर्ल्ड कप का एक और बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिलता हुआ। पहले जब आयरलैंड बैटिंग कर रहा था मुझे लग रहा था कोई चांस ही नहीं है, ये क्या बैटिंग कर रहा है, मैंने गलती कर दी डिफिकल्टी चुन के, मैंने गलती कर दी एक स्ट्रांग टीम चुन के, बट आई थिंक आज का जो दूसरा मैच है उसमें बहुत सोच समझ के मुझे आगे बढ़ना होगा। टकर यहाँ पर मैं दो मैच का खिताब ले जाते हैं। आपको कौन सा गेम प्ले ज़्यादा अच्छा लगा भाई, ये भी बता देना, RC22 या क्रिकेट 22,
क्योंकि देखो RC22 में ये मैच मैं थोड़ा क्लोज ले पाया ले जा पाया, पता नहीं अगली बार ले जा पाऊंगा कि नहीं। विकेट अगर ज़्यादा गिर गए 15 ओवर में 5-6, तो फिर आपको 50 रेटिंग के साथ पूरा मैच खेलना है। बाकी प्रेडिक्शन यही है, न्यूजीलैंड हारेगा आज का। क्या लग रहा है आपको कमेंट कर देना। बाकी ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं वीडियो में, स्ट्रीम में। बाय बाय, टाटा, गुड डे।